असलमर्स वेलकम टू माई YouTube चैनल सो आज की वीडियो में पता चलेगा अहद और सज्जल की तलाक के पीछे की वजह क्या बनी कौन से लोग शामिल थे अहद और सज्जर की तलाक के पीछे ये सब बातें आपको हमारी इसी वीडियो में पता चलने वाली हैं लेकिन लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक में देखना है और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से अपेट रह सके नोटिफिकेशन के थ्रू सज्ज और अहद दोनों का तो उलु ताल्लुक पाकिस्तानी शोबे से है जो बहुत से ड्रामाज में काम कर चुके हैं लेकिन लेकिन सजय अली को यह एजाज हासिल है कि उन्होंने बॉलीवुड में भी काम कर लिया है उसके अलावा हादसा जमीर ने अभी तक बॉलीवुड में काम नहीं किया है लेकिन बेहतरीन अदाकार हैं सजे लाहत की शादी हुई थी दो साल पहले वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे कुछ थे और बाद में उन्होंने शादी कर ली उनकी शादी भी काफ़ी हद तक हिट गई थी लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता है लेकिन उसके बाद जैसे ही बिलाल अब्बास और सजल अली का ड्रामा आया उसके अलावा वो एक फिल्म खेल खेल में भी आए थे जिस जिसकी अहद रजाम ने मुखालफत की थी कि उन्हें यह मूवी नहीं करनी चाहिए उन्हें सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामाज में काम करना चाहिए जिसके बाद सजल नहीं मानी और तलाक हो गई लेकिन वजह बने थे बिलाल अब्बास इसी तरह अगर आप देख सकते हैं नया एक ड्रामा आया था हम तुम जो रमज़ान में शुरू हुआ था और उसमें रिमशा खान थी अहद रज़ाम के साथ जिनकी जोड़ी को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था अहद और रिमशा की जोड़ी को लोगों ने इतना पसंद किया कि वो ड्रामा ब्लॉकबस्टर हिट किया था उसके बाद रिमशा और बिलाल अब्बास बेहतरीन दोस्त थे लेकिन आप बिलाल अब्बास को जैसे ही पता चला कि वह हम तुम ड्रामा अहद अजाम के साथ करने वाली है तो उन्होंने कर दिया अनफॉलो अहद अजाम और उसके साथ साथ रिमशा खान को भी उनका कहना हालांकि ये सुनने में आया था कि रिमशा खान और बिलाल अब्बास की जोड़ी हिट है और वो एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं क्योंकि रिमशा खान काफ़ी हद तक उनकी फ़ैमिली के क्लोज थे और आए दिन मिलने जाया करती थी उनकी माँ से जैसे ही अहद और सज्जर की तलाक हुई तो आहद ने सोचा कि क्यों ना अब मैं रिमशा की और बिलाल अब्बास की भी रिलेशनशिप को ख़त्म कर दूं इसीलिए उन्होंने हम तुम ड्रामे में कास्ट करने के लिए हामी भरी क्योंकि वो जानते थे रिमशा खान है गर्लफ्रेंड आहद बिलाल अब्बास की जैसे कि आप देख सकते हैं बिलाल अब्बास और रिमशा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है और बिलाल अब्बास ने तो आहद ज़मीर को भी अनफॉलो कर दिया है जैसे कि आप इस पोस्ट में भी देख सकते हैं और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इनमें बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो उनके हक़ में बोले थे सजर अली के साथ थे और अहदमी के ख़िलाफ़ थे बिलाल अब्बास और रिमशा खान एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थी क्योंकि क्वेश्चन आंसर जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई थी बिलाल अब्बास ने तो एक ने पूछा क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हैं तो उन्होंने कहा नहीं द शिप हैज़ बीन सेल्ड यानी कि एक कश्ती साहिल किनारे लग गई है अब इन्हें कोई ऑप्शन नहीं आ सकता क्योंकि वो उन दिन रिमशा के साथ काम करे थे और ये भी सुनने में आया था कि वो शादी करने वाले लेकिन अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है क्योंकि यहाँ पे चार लोगों की जिंदगी बर्बाद है सजल अली जजा में रिमशा खान और बिलाल अब्बास की उम्मीद करते हैं कि ये शॉकिंग न्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग साबित होगी मिलती हैं कुछ देर बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ अलामे हाँ से